नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर निशा बाकोलिया रेसिपी चैनल में। तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाई जाती है। चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारी आज की रेसिपी है चिली पनीर। तो ये जो रेसिपी है ना, ये आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो हम फटाफट से इसको शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे बनाई जाती है ये रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम पनीर लिया है। इसको मैंने इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है। आप चाहे जिस भी शेप में इसको काटना चाहे काट सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बाउल में ऐड कर लेती हूँ। तो ये जो पनीर है ना, हम इसको पहले मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। अब इसमें जाएगी बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च। फ्रेंड, इस तरह से ना आप है ना पनीर को कोट करके, कॉर्नफ्लोर में कोट करके और फिर फ्राई करके चिली पनीर बनाएंगे ना, तो इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए, हमने सब चीजें इसमें डाल ली है, अब हम इसको टोस्ट करेंगे। ताकि पूरी पनीर पे कॉर्नफ्लोर अच्छे से लग जाए। तो ये देखिए कितना अच्छे से इस पे कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च और नमक लग चुका है। चलिए हम सबसे पहले इसको फ्राई करेंगे। तो हम इसको सेलो फ्राई ही करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर गैस पे मैंने कढ़ाई रख ली है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इस ऑयल को हम अपनी कढ़ाई में इस तरह से फैला लेते हैं। अब ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। तो ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें इस तरह से पनीर के क्यूब्स रख लेंगे। जैसे ही हमारा पनीर एक साइड से हल्का ब्राउन हो जाएगा, हम पलटा देंगे इसको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये ना हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इससे ज्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। अगर इससे ज्यादा हम इसको फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा कड़वा 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 लगने लग जाएगा और ये पनीर हमारा टाइट भी हो जाएगा। तो जो हम नहीं चाहते, पनीर को हम सॉफ्ट रखना चाहते हैं, तो इसके लिए बस इतना ही काफी है। चलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले हम सारे सॉसेस को एक जगह कर लेते हैं। तो सॉस के साथ ही मैं इसमें सबसे पहले 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला लूंगी। अब इसी चम्मच के माप से 2 चम्मच रेड चिली, 2 सोया सॉस, 2 चम्मच लेंगे। ग्रीन चिली, 2 चम्मच लूंगी। 1 चम्मच विनेगर, 1 को अच्छे से मिला लेते हैं। सॉस हमारे रेडी। तो साइड में रख लेते हैं। सेम वही कढ़ाई मैंने गैस पे रख ली है और इसमें थोड़ा सा ऑयल, देखिए हल्का सा ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कि बिल्कुल छोटा सा एक प्याज लिया था, उसको बारीक कट कर लिया है और 1 हरी मिर्च ली है तीखी वाली। हल्का सा भून लेंगे इनको। और यहाँ पर मैंने ये प्याज को बड़ा बड़ा क्यूब्स में कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने ये शिमला मिर्च को भी क्यूब्स में कट कर लिया है। इनको मैं इसमें ऐड कर लूंगी। इसको
भी हम हल्का सा भून लेंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे। तो ये प्याज और शिमला मिर्च भून चुकी है, अब हम इसमें जो सॉसेस हमने इकट्ठा करके रखे थे ना वो ऐड कर लेंगे। सॉस वाली कटोरी में ही मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है 2 चम्मच के करीब, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी काली मिर्च, 2 चुटकी के करीब होगी ये, थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया था। तो फ्रेंड मैं पहले ना केचप डालना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब केचप ले रही हूँ। इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। सॉस हमारी सारी रेडी हो चुकी है, अब हम ये पनीर इसमें ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा धनिया, तो ये लीजिए हमारी चिली पनीर बनकर रेडी है। तो देखते ही आ गया ना मुंह में पानी। तो आप कब इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं मुझे जरूर बताना। तो मैं आपको एक पनीर कट करके भी दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट पनीर है, एकदम सॉगी नहीं हुआ है, मतलब टाइट नहीं हुआ है। ये देखिए, तो ये देखिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा चिली पनीर बनकर रेडी हुआ है। और इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।